तो हम आए हैं पार्क में, रात का टाइम है, हम आए हैं पार्क में क्योंकि हमारे पुत्र जी को झूला झूलना है, इसलिए झूलाएं। हाँ। ऐसे मत झूलो, नहीं लग जाएगा। रुक जाओ, फोन रख दें, नहीं तो फोन गिर जाएगा। झूल रहे हैं और बोल रहे हैं और तेज और तेज, और ये अजान सुनाई दे रही है आप लोगों को। आई थिंक अजान ही हो रही है, मुझे पता नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम लोग अभी आए हैं वॉकिंग करने। वॉकिंग करने से पहले हम लोगों को यहाँ पार्क में आते हैं, तो अभी पार्क आए हैं, उसके बाद जाएंगे टहलने। और हमें जाना था गेट के बाहर, बट ये बोल रहा है मैं आई कार्ड लेके नहीं आया हूँ, दही लेना था इसलिए। तो चलते हैं और टहलते हैं, हम तो क्योंकि आठ बज गया ना, आठ आठ बज गया है। अंदर तो ऐसे चलते हैं। और तो हम जा रहे हैं अभी मार्केट, दोपहर का टाइम है क्योंकि हमें कुछ कुछ लेना चाहिए था, जो है लेना था आई मीन। और मेरी शक्ल की आजकल इतनी बैंड बजी है कि क्या कहें। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, बाइक से गए थे हम लोग, उसके बाद पहुँचे। इन्होंने ली कूलर की मोटर, मोटर तो सही थी बट उसका पाइप जो था वो टूट चुका था, मतलब पता नहीं क्या सड़ गया था पता नहीं क्या, तो पाइप नहीं मिला है, तो उसकी वजह से पूरी मोटर के साथ पाइप आता है, तो इनको मोटर भी खरीदनी पड़ी साथ में। तो कूलर की मोटर ले लिया, उसके बाद फिर हम जो है गए स्मार्ट बाज़ार। स्मार्ट बाज़ार से हमने सामान लिया, जो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का बचा हुआ था उस दिन स्मार्ट बाज़ार से नहीं लेके आए थे, कुछ कुछ चीज़ें बची थी, तो फिर यहाँ आकर के हमने ली। रिफाइंड वगैरह नहीं लेके आए थे, और भी जो है कुछ कुछ चीज़ें थी, थोड़ा थोड़ा जो बचा था वही सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। और यहाँ हम लोग कश्मीरी लाल मिर्ची ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, बहुत देर के बाद हम लोग जो है मिली, काफ़ी देर के बाद ढूंढने के बाद जो है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची किसी भी उसमें डाल दो तो उसमें कलर भी आ जाता है, फूड कलर लाइक है जो होता है, वो तीखा नहीं होता आप लोगों को पता है, तो उससे कलर आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वापस आ गए। मैं गई थी ट्रेंड, बट वहाँ जाके मैंने कुछ लिया नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और बैटर रखा है, उस दिन मालपुआ बनाया था, अभी उसका बैटर रखा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से उसको फिनिश कर देती हूँ मालपुआ बना करके, और उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि होली आने वाली है, जस्ट दो दिन बचे हैं, टाइम नहीं है। और कल मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों कल मेरा मन नहीं हो रहा था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मतलब कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, हस्बैंड ऑब्वियसली यहीं हस्बैंड रहते हैं, बच्चा रहता है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मन होता नहीं, कभी कभी बहुत उदास सा लगता है, पता नहीं क्यों बहुत शांत सा लगता है, मेरे से पूछ भी रहते क्या हुआ क्या हुआ, बट पता नहीं क्यों हो जाता है कभी कभी जो है। तो मेरा कल कुछ भी करने का मन नहीं हुआ, बस मैंने दोपहर के बर्तन कल शाम को किए थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं दोपहर में लेटी हूँ, उसके बाद मैं सीधे शाम को उठी हूँ जो है, ये ड्यूटी गए थे आई थिंक 1 बजे 1:15 बजे जितने बजे भी गए हों मुझे पता नहीं, उसके बाद मैं उठी हूँ शाम को 6 बजे 5 बजे उठी हूँ, 5:30 बजे उठी हूँ, उसके बाद मैंने उठ के बर्तन वगैरह क्लीन किया, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। तो चलते हैं अपना क्या बोलते हैं कि जो बैटर रखा उसका मालपुआ बना लेते हैं, फिनिश करते हैं बर्तन, फिर जो होता है ना फ्रिज में ज़्यादा जगह नहीं रहती, बर्तन भी खाली हो जाएगा, उसके बाद हम चलते हैं किचन क्लीन करते हैं। तो मैं बना रही हूँ मालपुआ, बैटर जो रखा था उसी को मैं बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैंने सोचा बना लेती हूँ हो जाएगा। और उसके बाद मैंने मशीन भी लगा रखी है साथ के साथ, मशीन भी लगा रखी है, होने वाली है, बस ड्राई हो जाएंगे कपड़े थोड़ी देर में, उसके बाद कपड़े डालेंगे। मैं यहाँ पर मशीन लगाई थी, उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिया, अंदर ही डाल देती हूँ, बेडशीट वगैरह रहती तो मैं बाहर डाल देती हूँ, आप लोगों के यहाँ भी डेली इतने सारे कपड़े होते हैं, मुझे लगता है मैं जो है वीक में 3 बार मेरी मशीन लग जाती है, 3 से 4 बार, क्योंकि मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा मैं निकालती हूँ, क्योंकि मैं तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में किचन की क्लीनिंग करने, तो यहाँ पर मैंने सारे डब्बा डाली, उसके बाद पहले जो है लिक्विड से वो किया अच्छे से, उसके बाद फिर जो है गीले कपड़े से पूछा, फिर सूखे कपड़े से पूछा, तो ये देख लिया आधा मैंने सेट कर लिया है, आधा बचा है सेट करने के लिए, फटाफट से किया, बहुत डीप क्लीनिंग नहीं की थी, बट जितना भी की थी टाइम लगा था, उतना टाइम नहीं लगा था, कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है, बट कल मेरे से बहुत फास्ट हो गया, आई डोंट नो, तो मैंने फटाफट कर लिया। और कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी वैसी थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डार्क और कभी कभी उजाला जैसा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। तो
कर लेते हैं अपना फटाफट से काम जो है, और बहुत सारे मैंने काम किए जो है, बहुत ही सारे। तो फाइनली मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं अभी क्लीन दिख रहा होगा डब्बी डब्बा। बहुत डीप नहीं किया है कि सारा डब्बों का सामान निकाल निकाल के क्लीन किया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ किया था, तो इसलिए ऊपर से मैंने जो है साबुन लगा के धुल दिए हैं, जो है लिक्विड लगा के पोंछ के अच्छे से उनको रख दिया। तो आप लोग देख सकते हैं अभी पूरा क्लीन दिख रहा है। तो हो गया मेरा किचन का काम, ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम थोड़ा यहाँ नीचे का सेल्फ साफ करेंगे गैसेस, उसके बाद हमें लंच भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और शाम को मैं सोच रही हूँ आज की मैं गुजिया भी बना लेती हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत सोच के रखा है। फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली बनाना चाहिए, भले दो लोग हैं तो क्या हुआ, बनाना तो चाहिए। तो चलते हैं काम निपटाते हैं, और साथ में नमक पा रहे और मेरे सकल पर मत जाइएगा क्योंकि हेयर ऑयलिंग की है। कल रात में मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, तो इन्होंने मेरे सर में ठंडा तेल डाला था, और ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं, और ये पुत्र जो हमारे सतानी कर रहे हैं। और भी मैंने डस्टबिन धुला था क्योंकि मैं डस्टबिन भी धुल देती हूँ, और इसमें ये वेजिटेबल लेने जाओ तो कैरी बैग वगैरह मिलते हैं, तो इसी में लगा देती हूँ, तो उतना गंदा नहीं हो पाता है। तो इसलिए, और मेरा ब्लॉग 3 दिन से चल रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट आज इसको मैं कंप्लीट करके अपलोड कर दूँगी। हो गया, तभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो चलते हैं, इसको लगा देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मेरे ब्लॉग का आज आई थिंक 3रा दिन, और प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, काम में थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाती हूँ, उस चक्कर में मेरा ब्लॉग नहीं हो पाता, और फिर डेली वही एक जैसा काम रहता है इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपना फेस क्लीनअप करने, मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फेस पे डर्ट जैसा हो रहा है, तो इसलिए। तो चलते हैं अपना काम करते हैं, और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लिप्स बहुत ड्राई हैं, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।